हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैट्रिक्सेस का सेकंड पार्ट लेकर के। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं उसके आगे का जो टॉपिक है उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या क्या हैं उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, जैसे मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आगे देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग वन बाय वन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, अगर एडिशन करना है तो एडिशन कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ठीक है। दोनों ही मैट्रिक्स सेम टाइप का होना चाहिए, मतलब रो एंड कॉलम जो ए में होगा वही बी में होना चाहिए, तभी एडिशन हो सकता है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है वो ए आई जे है, ठीक है, क्या है आपका एलिमेंट ए आई जे, और उसका ऑर्डर है एम बाय एन, और बी मैट्रिक्स है बी आई जे एलिमेंट एम बाय एन, ठीक है। ऐसे केस में अगर हमें ऐड करना हो ए प्लस बी, तो मैट्रिक्स ए का जो भी एलिमेंट होगा और उसके कोरेस्पोंडिंग जो बी का एलिमेंट होगा वो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, बशर्ते कि नियम क्या है, रो एंड कॉलम जो ए में होगा वही नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बी में भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, देखते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो 2x3 के फॉर्म में है, और बी मैट्रिक्स ये भी 2x3 के फॉर्म में, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन पॉसिबल है, है ना। तो कहता है ए प्लस बी निकालिए, तो करना क्या है, ए मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट लेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग बी का जो एलिमेंट होगा उसको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए का ए प्लस बी अगर निकालिएगा तो क्या होगा, ए का ए 11 के जगह पे 5 है, बी का A11 के जगह पे उसका 6 है, मतलब corresponding element यहाँ 5 के जगह पे वहाँ क्या है B में 6 है, तो 5 plus 6 कर देंगे। सेम उसी प्रकार से 4 plus 4 कर देंगे, राइट, 6 plus minus 7 कर देंगे, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसका corresponding में कितना है, minus 7 है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे 9 plus 9 कर देंगे हम लोग, इधर 8 plus minus 3 कर देंगे, 7 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं, 6 5 होता है आपका 11, 4 4 हो गया 8, 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 7 आपका आ जाएगा माइनस 1, 9 और 9 आपका हो गया 18, 8 प्लस माइनस 3 मतलब माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 आपका हो गया 5, 7 प्लस 2 हो गया 9, ठीक है। देखिए कितना सिंपल था, दिस इज एडिशन, दिस इज द रूल ऑफ एडिशन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, दो मैट्रिक्स हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, तभी ऑर्डर का मतलब यहाँ पे टाइप एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम टाइप का दो मैट्रिक्स अगर हो तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करते कैसे हैं, पहला मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, देन यू विल एबल टू फाइंड एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन है, जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया हूँ सेम वही कॉन्सेप्ट है, जहाँ प्लस करना तब वहाँ माइनस कर देना है, बस खत्म कहानी, हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है, है ना, तो ए माइनस बी हो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है और मैट्रिक्स बी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब तो उसी के जगह पे जो बी में एलिमेंट है आपस में माइनस कर देंगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, ए में हमारे पास एलिमेंट क्या है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, बी में आपके पास एलिमेंट है D1, E1, F1, D2, E2 और F2, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस कैसे करेंगे, इसका A1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें कौन सा है, D1 है, तो A1 माइनस D1, यहाँ पे B1 माइनस E1, C1 माइनस F1, हो गया। अब उसी तरह इसका निकालिए, A2 माइनस D2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है, D2 है, ठीक है, B2 माइनस E2, C2 माइनस F2, हो गया आपका आंसर, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। देखिए अभी मैं जो इतना पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको एडिशंस हो मैट या फिर सब्ट्रैक्शन हो, मैं एक ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ,
इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस एंड इसके अलावा अभी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा स्कैलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्कैलर मैट्रिक्सेस, ठीक है। या सिंपल सी बोले तो स्कैलर टर्म यहाँ कहने का क्या अर्थ है वो हम लोग अभी सब आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्कैलर, है ना। मतलब एक स्कैलर से, किसी नंबर से या कोई एलिमेंट से अगर होल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसे निकलेगा ये। जैसे हमारे पास दिया है ए इज अ मैट्रिक्स, दिस इज योर मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 -2, ठीक है। कहता है फाइंड 3A, क्या कह रहा है फाइंड 3A, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा 3A के जगह पे क्या होगा 1 2 3 0 1 -2, तो क्या होगा। जब इस स्केलर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, तो ये क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 into 1 3 3 into 6 sorry 2 6 3 into 3 9 3 into 0 0 3 into 1 3 3 into 2 -6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। काफी सिंपल है। क्या करना था, ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमें निकालना था 3A, ठीक है। तो ए के जगह मैंने मैट्रिक्स को लिख दिया और जो एलिमेंट 3 हमारा था, स्केलर जो हमारे दिया हुआ 3 है, वो सबके सारे एलिमेंट के साथ हम लोगों ने उसे मल्टीप्लाई कर दिया और दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो याद रखिएगा, कहता है अगर दो मैट्रिक्स ए भी जो सेम टाइप का हो, उस उन दोनों को प्लस करके अगर के से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके, उसी नंबर को पहले ए मैट्रिक्स के साथ करें, उसी को फिर हम लोग मैट्रिक्स बी के साथ करें, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर मान लीजिए ए बराबर आपके पास है 2 1 3 4 और बी दिया हुआ है आपका 5 6 2 1, ठीक है। तो LHS में क्या है हमारे पास है, LHS में है के इंटू ए प्लस बी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के मान लेते हैं k इक्वल टू 2 है, ठीक है। बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना, k क्या है 2 है, ठीक है। तो इसके जगह क्या होगा, 2 इंटू ए के जगह पे ए मैट्रिक्स क्या है 2 1 3 4, ठीक है, प्लस b क्या है हमारे पास, b है 5 6 2 1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई समस्या ना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूँ, राइट। क्या हो गया, 2 2 प्लस 5 7 1 into 6 7 3 into 2 5 और 4 प्लस 1 क्या होगा 5, मैं इनटू बोल दे रहा हूँ, आई एम सॉरी, 2 प्लस 5 7 1 प्लस 6 7 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5, ठीक है। और स्केलर बाहर में कितना 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया 14 14 10 और 10, कैसे, ये 2 को सारे एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा LHS था, LHS आ गया 14 14 10 और 10, ठीक है। अब RHS में निकालेंगे हम लोग, क्या RHS हमारा है KA प्लस KB, तो K कितना हमारा 2 है, A कितना था हमारा 2 1 3 4, क्या हमारे पास A है 2 1 3 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू B कितना है 5 6 2 1, ठीक है, क्या है 5 6 2 1, कितना होगा 4 2 6 8 plus 10 12 4 2, ठीक है। अब ऐड करते जाइए, देखिए 4 plus 10 कितना आ गया 14 आ गया, 2 plus 12 14 आ गया, 6 plus 4 10 आ गया, 8 plus 2 10 आ गया,
क्या LHS RHS दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसका? स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, उसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक लिखे हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यू मत लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ फिलहाल। लेकिन अब समझते हैं हम लोग कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा। अगर हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है, तो कैसे होगा? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर हर एग्ज़ाम में जिसमें मैट्रिक्सेस सिलेबस में है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन इसके आते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, क्या है, दो मैट्रिक्स ए और बी, ए मैट्रिक्स जो है हमारा उसका ऑर्डर है एम बाय एन, बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है हमारा पी बाय क्यू। एम यहाँ रिप्रेजेंट करता है रो को और एन रिप्रेजेंट करता है क्या, कॉलम को। यहाँ पे पी रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, क्लियर है। ए मैट्रिक्स में एम नंबर ऑफ रो एन नंबर ऑफ कॉलम है, बी मैट्रिक्स में पी नंबर ऑफ रो एंड क्यू नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर, तो कहता है ऐसे केस में ए बाय बी तब डिफाइन होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना ए बाय बी। ठीक है, तो तब डिफाइन होगा जब ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल हो। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी, ए बी तभी डिफाइंड होगा, कब होगा, जब ए का कॉलम मतलब ए का कॉलम और बी का रो, मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, दैट इज इसके अकॉर्डिंगली एन इक्वल टू पी होना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरी ओर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा ए बाय बी का, उसका ऑर्डर क्या होगा पता है? ए का जो नंबर ऑफ रो है और बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है वही नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, मतलब एम बाय क्यू, एम बाय क्यू। ठीक है, अब सवाल है कि मान लीजिए बी बाय ए निकालना हो तो मैथमेटिक्स में बचपन में तो पढ़े ही है, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर विल बी सेम। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे कुछ और ही हो सकता है, कभी कभी इक्वल भी आ जाएगा, कभी कभी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी ए बाय बी निकालना पॉसिबल होगा तो कभी बी बाय ए निकालना पॉसिबल, बी इंटू ए निकालना पॉसिबल नहीं होगा। देखेंगे क्या कहता है, बी बाय ए, मैंने क्या कहा, अगर ए इंटू बी करना है तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब अगर बी इंटू ए कर रहे तो बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो बी का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, क्यू है, और ए का नंबर ऑफ रो कितना है, एम है, तो क्यू बाय एम होना चाहिए, मतलब क्यू इक्वल टू एम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान रहे पहला मैट्रिक्स जो है हमारा, जैसे पहला बी है ना, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो, दूसरे का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो बी का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, क्यू है ना, और ये पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, यहाँ पे एम है ना, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी मल्टीप्लाई होगा, तभी कहेंगे बी इंटू ए इज डिफाइंड कॉम्पिटेबल, है ना। मल्टीप्लाई अगर हो सकता है तो उसको बोलते हैं डिफाइंड है या फिर कॉम्पिटेबल है। ठीक है, नहीं तो नहीं। क्लियर, तो देखते हैं इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा तब। जैसे ए इक्वल्स आपके पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसका ऑर्डर देखिए क्या है आपका, इसका ऑर्डर है 2 by 3, दो नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, और हमारे पास एक बी है, क्या है, 3, 1, 4, 2, 5, 9, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 2, क्या है, 3 by 2। क्लियर, तो अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था,
अगर a इंटू बी निकालना है तो a मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है ना, देखिए 3 है ना। दूसरे का नंबर ऑफ रो, ये भी 3 है ना, दोनों इक्वल है कि नहीं है। पहला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, मतलब a प्लस बी, a इंटू बी क्या है, डिफाइंड है, आप a इंटू बी निकाल सकते हो। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता चला कि निकालेंगे, निकालना है, निकाल पाना पॉसिबल है या नहीं। अब निकालें कैसे भाई, इंटू करें कैसे, तो चलिए मैं इसी एग्जांपल में समझा देता हूँ, ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, कहता है अगर a बाय बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है, तो क्या करेंगे, पहला रो लेंगे और मतलब पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब देखिए, ध्यान से देखिए इसको, बस हम एक तरीके से बता दे रहे, समझ जाइएगा आप लोग, है ना। कहता है इसका पहला रो हमारा है ना, क्या 1, 2 और 3। अब देखिए तो सबके जगह पर दे दीजिए थोड़ा सा ब्रेकेट, प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है, सबके बीच में प्लस का साइन, ठीक है। क्या करेंगे, 1 के साथ पहला रो इंटू पहला कॉलम, पहला कॉलम में 3 है ना, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इस कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 इंटू इसका कितना 1, प्लस 2 इंटू इसका कितना 2, प्लस 3 इंटू इसका कितना 9, ठीक है। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा, ए का पहला रो, बी का पहला कॉलम, मल्टीप्लाई कर दिया सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और बीच में प्लस का साइन दे दिया। फिर उसी को, पहला रो को दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और सबके बीच में प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। अब क्या करना, अब ये दूसरा रो बच गया है ना हमारे पास, तो इसका भी वही काम, पहला ये दूसरा रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3, प्लस 5 इंटू 4, प्लस 6 इंटू 5। इसका ये जो रो है इसको पहला कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, देखा 4 इंटू 3 है ना, 5 इंटू 4 है ना, 6 इंटू 5 है ना। अब इसको दूसरा कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 1, प्लस 5 इंटू 2, प्लस 6 इंटू 9, ठीक है। क्या हुआ, अब देखिए 1 इंटू 3, 3 आ गया, 3 प्लस 4 इंटू 2, 8, प्लस 15, इधर 1 प्लस 4 प्लस 27, इधर 12 प्लस 20 प्लस 30, इधर 4 प्लस 10 प्लस 54, है ना। ऐड कीजिए, क्या आएगा आपका आंसर, 15 और 8 23 23 और 2 3 26 27 और 4 31 और 1 32, 12 20 32 और 30 62, 54 प्लस 10 64 प्लस 4, क्या हुआ 68, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपका, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके बैक कीजिए और फिर से जहां से बताए हैं एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। अब सवाल यहां पे एक और आता है, क्या b इंटू ए डिफाइन है यहाँ पे, क्या चीज डिफाइन है, b इंटू ए क्या डिफाइन है, तो चलिए चेक कर लेते हैं b इंटू ए को भी, b इंटू ए डिफाइन है या नहीं है। b कितना है, 3, 1, 4, 2, 5, 9, ठीक है। और a कितना है हमारे पास, a है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये किस ऑर्डर का है, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है, इसमें 2 रो 3 कॉलम, क्लियर। तो देखिए ये भी डिफाइन है यहाँ पे, कैसे डिफाइन है, b इंटू ए कर रहे हैं ना, तो b का नंबर ऑफ कॉलम 2 है और a का नंबर ऑफ रो ये भी 2 है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई इजिली हो जाएगा, ठीक है। कैसे ही मल्टीप्लाई होगा, हाँ एक और चीज मैंने कहा था, जब हम लोग चेक करेंगे कि डिफाइन है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, ए का कॉलम बी का रो देखते हैं,
और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बचा है ना पहला का रो दूसरा का कॉलम, मतलब 2x2 के फॉर्म में आना चाहिए था आंसर, देखिए आया हुआ है ना 2x2 के फॉर्म में आंसर, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको जो आंसर आएगा किस फॉर्म में आएगा, उसी अकॉर्डिंग देखो इसका जो आंसर है क्या होगा, पहला का रो कितना 3, दूसरे कॉलम कितना 3, मतलब 3x3 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। कैसे निकालना है बस एक बार मैं ये भी क्वेश्चन आपको बता ही दे रहा हूँ, तो आई थिंक उसके बाद कोई प्रॉब्लम आप लोगों का नहीं रहेगा, है ना। क्या करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 3 × 1 + 1 × 4 हुआ ना, 3 × 1 + 1 × 4, अब 3 × 2 + 1 × 5, 3 × 2 + 1 × 5, अब 3 × 3 + 1 × 6, ठीक है। अब पहला कॉलम का पहला रो का काम हो गया यहां पे, अब दूसरा रो को लेके चलना है तो 4 × 1 + 2 × 4, अब इसको इसके साथ 4 × 2 + 2 × 5, अब इस रो को इस कॉलम के साथ 4 × 3 + 2 × 6, अब इसको इसके साथ मतलब 5 × 1 + 9 × 4, मतलब थर्ड रो को पहला कॉलम के साथ, अब इसको इस कॉलम के साथ 5 × 2 + 9 × 5, फिर 5 × 3 + 9 × 6, हो गया। अब सबको ऐड कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, मैं ही कर देता हूँ, चलो आप लोग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। चलिए क्या हो गया, 3 + 4 = 7 होगा, यहाँ पे 6 + 5 = 11, 9 + 6 = 15, यहाँ पे 4 + 8 = 12, 8 + 10 = 18, 12 + 12 = 24, इधर 5 + 36 है ना कितना होगा 41, यस, इधर 10 + 45 = 55, इधर 54, ठीक है, तो 54 और 15 कितना हो गया 69, हाँ चलिए ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे लगता है इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने मैट्रिक्स ऑपरेशंस के कुछ चीज़ों को समझा, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है, इसके अलावा मैंने सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, क्लियर है। अब आगे का जो मैं टॉपिक, देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे बुक वगैरह में अगर आप देखोगे तो हर एक ऑपरेशन को अलग अलग से लिखा है, मैं उतना नहीं कॉम्प्लिकेट करूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के बीच आऊंगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेकर के और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेकर के, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।